एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है जो हेयर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को बॉदर करती है, वो ये है कि क्या सर्जरी के बाद उन्हें केयर करनी पड़ेगी बालों की, या कैसा रहेगा उनका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन ALCS जयपुर, आज इस वीडियो में इसी पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कैसे पेशेंट को केयर करनी है स्कैल्प की, ट्रांसप्लांटेड हेयर की, डोनर एरिया की और खुद की। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो सबसे पहली चीज़ हम पेशेंट को एडवाइज़ करते हैं वो ये एडवाइज़ करते हैं कि जो उनका पहला हेड वॉश है वो हमारे सुपरविजन में ही होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पहले हेड वॉश से पहले जब पेशेंट की ड्रेसिंग हटाते हैं, जब कैप हटाते हैं, तो उस समय अगर वो अनसुपरवाइज्ड होता है तो ग्राफ्ट के साथ में, ड्रेसिंग के साथ में ग्राफ्ट के निकलने की थोड़े से चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइस है पेशेंट को वो यही रहता है कि या तो वो हेड वॉश के लिए हमारे पास आए नेक्स्ट डे या 48 घंटे बाद, पहला हेड वॉश हम हमारे क्लिनिक पे कर देंगे, और यदि पेशेंट कई बार बाहर चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, तो हम उन्हें 24 से 48 घंटे बाद वीडियो कॉल पे अपने सुपरविजन में प्रॉपर तरीके से हेड वॉश कराते हैं, सो दैट जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो सेफ रहे। पहले हेड वॉश के बाद बेसिक इंस्ट्रक्शंस पेशेंट को दे दी जाती हैं, हेड वॉश उन्हें ही करना है, घर पे ही करना है, डेली करना है, शैम्पू से करना है, नॉर्मल टैप वाटर से करना है, और हेड वॉश के बाद, डेली वॉश करने के बाद, डेली शैम्पू करने के बाद जो एडवाइस करते हैं वो ये करते हैं कि फिंगर टिप्स पे कोकोनट ऑयल लेके और हल्के हल्के हाथ से वो ट्रांसप्लांटेड एरिया पे लगा लें, जिससे कि एक ऑक्लूसिव बैरियर लेयर बनी रहे और जो ग्राफ्ट्स हैं वो डिहाइड्रेट नहीं हो, डेसिकेट नहीं हो और उनका सर्वाइवल रेट बढ़ सके। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये 10 से 15 दिन तक फॉलो करनी होती हैं, लेकिन उससे पहले 7 से 10 दिन पे जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है वहाँ पे स्कैब्स बनने शुरू हो जाते हैं। जो स्कैब्स होते हैं वो 7 से 10 दिन के बाद बनने शुरू होते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा जेंटल रबिंग करके उन स्कैब्स को अगले 5-7 दिन में, यानी कि 10 से 15 दिन पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट में रिमूव करना होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के 10 से 15 दिन के अंदर जो स्कैब्स हैं ट्रांसप्लांटेड एरिया पे वो पूरे रिमूव हो जाने चाहिए, और 2 हफ्ते तक जो हम एडवाइस देते हैं पेशेंट को अपार्ट फ्रॉम दिस जेंटल क्लीनिंग वो ये रहता है कि वो हेलमेट ना पहने, वो कोई भी इस तरह की चीज़ सर पे नहीं पहने जिससे कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में रगड़ हो या बहुत ज़्यादा रबिंग हो। इसके अलावा उन्हें हम एडवाइस करते हैं कि वो एक्सरसाइज भी ना करें। इनिशियल 2 वीक्स में जो एक इंस्ट्रक्शन हम और देते हैं पेशेंट को वो ये देते हैं कि आपको जो अपना ट्रांसप्लांटेड एरिया है, जो ग्राफ्टेड एरिया है, उससे कवर करके रखना है, स्पेशली जब भी आप बाहर जाएं, सो दैट जो बाहर का डस्ट है, जो बाहर का पोल्यूशन है, उससे आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर अफेक्ट नहीं हो। लेकिन हाँ, आप अगर घर के अंदर बैठे हैं, ऑफिस के अंदर बैठे हैं और AC में बैठे हैं, तो आपको उस स्टार्टिंग के 2 हफ्ते में भी स्कैल्प कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 हफ्ते के बाद ट्रीटमेंट हम चेंज करते हैं, उन्हें लोकल एप्लीकेशन मिनोक्सिडिल की एडवाइस करते हैं सुबह शाम। जो प्रेफर्ड मिनोक्सिडिल का कंसंट्रेशन रहता है वो 5% रहता है। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस कुछ और टैबलेट्स भी हम ऐड करते हैं, जो कि हम सब पेशेंट्स में ऐड नहीं करते, बट फिनेस्टेराइड और मल्टीविटामिन या बायोटिन कंटेनिंग मेडिसिन हम केस टू केस डिसाइड करके और फिर एडवाइस करते हैं। 2 हफ्ते बाद पेशेंट हेलमेट पहन सकते हैं, हेयर कट ले सकते हैं, बालों को डाई कर सकते हैं और जैसे चाहे वो वैसे स्कैल्प को रख सकते हैं। एक्सर्शन या फिजिकल एक्टिविटी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि 4 से 6 हफ्ते तक नहीं करनी है। उन्हें अपना नॉर्मल रूटीन वो डेफिनेटली वेरी फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ प्रोसीजर रिज्यूम कर सकते हैं। लोअर बॉडी एक्सरसाइज या जिसे हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक वगैरह 2 हफ्ते बाद रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अपर बॉडी एक्सरसाइज, हैवी एक्सर्शन या जिमिंग is not advisable for initial 4 to 6 weeks following hair transplant. हाँ, 4 से 6 हफ्ते के बाद वो चाहे जिस तरह की एक्टिविटी में खुद को एंगेज करना चाहें, बीच, स्विमिंग, रनिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, वो सब चीज़ें ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ा के और वो रिज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद 3rd मंथ ऑनवर्ड्स जो हेयर रीग्रोथ है वो शुरू होती है और विजिबल होती है। 3rd मंथ पे हेयरलाइन दिखना शुरू हो जाता है और 4 से 5 महीने, 6 महीने में अराउंड 70-80% रिजल्ट आ जाता है।
उस ड्यूरेशन में ये जो मेडिसिन एडवाइस की गई होती हैं 15 दिन के बाद से वो कंटिन्यू करनी होती हैं, और 6 महीने से 8 महीने पे हम रिव्यू करते हैं पेशेंट्स को कि उन्हें और मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है, उन्हें PRP की ज़रूरत है या नहीं है। ये सारा डिपेंड करता है 6 से 8 महीने पे ग्रोथ और स्कैल्प के असेस करने के बाद। यदि ग्रोथ थोड़ी सी स्लगिश होती है या स्लो होती है या डेंसिटी थोड़ी वीक होती है तो हम कुछ मेडिसिन और PRP कंटिन्यू करते हैं फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अदरवाइज उन दवाइयों को हम ग्रेजुअली विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं सो दैट 9 से 12 महीने में रिजल्ट भी फाइनल हो जाए और ग्रेजुअली मेडिसिन भी विड्रॉ हो जाए, जिससे कि जो रिजल्ट है वो लंबे टाइम तक मेंटेन रहे और एक नेचुरल और हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट का लुक पेशेंट लंबे टाइम तक रख सके। पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अपनी नॉर्मल डाइट अगले दिन से ही रिज्यूम कर सकते हैं। हमारी तरफ से जस्ट यही एडवाइस रहती है कि वो जो भी डाइट ले वो कम से कम जंक फूड हो और हाई प्रोटीन लें, जिससे कि जो बालों की क्वालिटी है, टेक्सचर है, वो बेटर हो सके और ग्रोथ और अच्छी हो सके। ये वीडियो हमारी जो हेयर ट्रांसप्लांट सीरीज़ है उसी में एक नया एडिशन है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज आपके पास हो, क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो, या हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी नीचे देख रहे हैं जो स्क्रॉल हो रहा है, और आप अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। थैंक यू।